हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वास किचन सीक्रेट एंड ब्लॉग। तो आज जो है हम प्लांट लगा रहे हैं, तो ये एक नया फ्लावर लेकर हम आए थे और इसे जो है गमला में लगा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या था कि गमला में बहुत ज़्यादा मिट्टी था जिसके वजह से ये फिट नहीं हो पा रहा था। तो जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी था उसको मैंने निकाल दिया साइड में, और उसके बाद ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर है वो हम इसमें लगा देंगे, और उसके बाद ये जो मिट्टी हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखी थी वो हम इसको लगा देंगे, मतलब डाल देंगे गमले में। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मिट्टी डाल देने से जो वाटर हम जब डालते तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए हम मिट्टी उसमें कम ही डालेंगे कि जब पानी डाले तो ओवरफ्लो ना हो। बना रही थी मैं आप लोगों को बालकनी के ऊपर तो कराती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है करी लिव्स, जो कि देखिए जब मैं इसे लेकर के आई थी बहुत छोटा था। अभी देखिए इसकी जो पत्तियां हैं ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से हो गई। तो पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप देख सकते होंगे कि ऊपर से ये भी जो एक्स्ट्रा जो पत्ती है वो भी आ रही है। इन शॉर्ट आई मीन करी लिप्स जो है ये बहुत अच्छी हो गया। दूसरा मैंने लगाया ये पुदीना, इसको एक्चुअली मैंने दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दिया। पहले मैंने इसे दूसरे पॉट में रखा था, और अभी जो है इस मैंने इसे इसमें ट्रांसफ़र कर दिया पुदीना को, ताकि ये पूरी तरीके से हरा भरा हो जाए, यहाँ पे पूरा भर जाए, इसे मैंने इसे यहाँ पे कर दिया। तो जब भी पुदीने की ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से पुदीना तोड़ लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये एक फ्लावर है जो मैं एक ले करके आई हूँ। आप लोग इसका नाम कॉमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता होगा तो ये देखिए, ये भी एक प्लांट है। उसके बाद हम गए शुगर इंस्टीट्यूट। तो ये जो अंदर जो इंस्टीट्यूट कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो एंट्री गेट था, एंट्री गेट से हमने एंट्री ली और उसके बाद हम आ गए अंदर। अंदर में आप देख सकते हैं, एक्चुअली हमें जाना था राइट और हम चले गए लेफ्ट। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे प्लांट्स थे, ट्री ऐसे लगे हुए थे, प्लांट्स थे जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। तो एक्चुअली इस इंस्टीट्यूट में होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। शुगर इंस्टीट्यूट में शुगर कैसे बनाते हैं ये सारा प्रोसेस उसमें सिखाते हैं बच्चों को, और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग आप जॉब ले सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जैसे कि शुगर जो होती है शुगर केन, उसकी वेराइटी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की जाती है, प्लांट एक्सपेरिमेंट की जाती है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है फिर इसे बाहर दे दिया जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो है शुगर किस तरीके से बनाते हैं उसकी स्टडी कराई जाती है, एंड द सेकेंड थिंग कि यहाँ पर शुगर की वेराइटी यहाँ पे बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ्लावर की एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर वो एक्सपेरिमेंट अच्छी हुई तब उसे फिर मार्केट में भेज देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए यहाँ पर प्लांट लगाए हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर और वहाँ पे जो था रिवर था, और ये देखिए शुगर केन, इसी शुगर केन के बारे में बात करी थी। ये वेराइटी ऑफ शुगर केन है जिसमें कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो अच्छा हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तब फिर वो उसे बाहर देते हैं। तो ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बहुत ही ओपन एरिया था, अच्छा था, और इस यहाँ पे हॉस्टल भी था, गर्ल्स हॉस्टल था, बॉयज़ हॉस्टल था, जिसे स्टडी करनी वो यहाँ पे आते हैं। 3 मंथ्स में स्टडी होती है इसकी, और उसके बाद आप जॉब ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए थे, फ्लावर भी लगा हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हम इंस्टीट्यूट से निकल गए और उसके बाद हम चले गए मॉल। तो मॉल में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रॉकरी रखा हुआ था जो कि मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था, मैंने ये ले लिया, और बॉटल थे, उसके बाद होम डेकोर भी था जिस तरीके का आपको चाहिए। तो क्रॉकरी में वैरायटी थे यहाँ पे, हर तरीके की चीज़ें थी, जैसे शुगर, टी, जो भी चीज़ें आपको रखनी है उस डब्बे में आप रख सकते हो, उस पर नेम भी लिखा हुआ था, और होम डेकोर था जिसमें कि बहुत डिफरेंट टाइप के जो थे डेकोरेशन के लिए था, कैंडल था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे, अच्छी दिख रही थी। और उसके बाद मॉल में ये जो मॉल था वो पूरा डेकोरेशन हुआ था उसका, और यहाँ पे ये जो था कुंफू पांडा था जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पे बहुत मॉल बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई हुई थी, अच्छा लग रहा था। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। और
शॉर्ट ये जो मॉल था बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। उसके बाद हम चले गए यहाँ पे खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने छोले और ये जो है खाए, छोले भटूरे, जो कि बहुत टेस्टी था। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू।